ये जो घर दिख रहा है ना, ये है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का घर, जो कि मुंबई के एकदम पॉश इलाका माना जाता है, जो कि खार में है स्थित है। और ये देखिए घर, जो कि नीचे से ऊपर तक काफ़ी आलीशान आपको दिख रहा होगा यह घर। और इसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं अभी पहुँचा हूँ मुंबई के खार इलाके में, और मैं आज चलने वाला हूँ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का हाउस टूर कराने वाले हैं कि प्रॉपर उसका घर कहाँ पे है और कैसा उसका घर दिखने में लगता है, और प्राइस वगैरह और उनके नेटवर्थ वगैरह के बारे में बात करेंगे। उनका प्रॉपर कितना नेटवर्थ है और इस बायोग्राफी के बारे में बात करें, मतलब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पूरा थोड़ा उसमें डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर के पास, जो कि ये सामने बिल्डिंग दिख रहा है। इसी बिल्डिंग में पूरे फैमिली के साथ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, जो कि शादी के बाद इसी घर में शिफ्ट हो चुके हैं और इसी घर में पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। और ये जो घर आपको देखने को मिलेगा मुंबई के खार इलाका में, जो कि खार और बांद्रा का पाली हिल दोनों एक जगह है, जो आपको देखने को मिलता है, और ये दोनों जगह काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। और अगर दीपिका पादुकोण के बायोग्राफी की बात करते हैं तो उनका जन्म जो हुआ है 5 जनवरी 1986 को, जो कि डेनमार्क में हुआ, और उनका जो प्रॉपर होम टाउन है वो कर्नाटक यानी बेंगलुरु है। और अगर इनके नेटवर्थ की बात करते हैं तो लगभग फिलहाल अभी 2023 के अनुसार 60 मिलियन इनके पास संपत्ति बताई जाती है, और इनकी जो पर मूवी का जो चार्ज होता है लगभग, पहले जो होता था 15 से 20 करोड़ होता था, लेकिन पठान मूवी इन्होंने लगभग 100 करोड़ प्लस इन्होंने चार्ज किया था। उनके बाद से इनका फिल्मों का जो चार्ज हो गया पर मूवी का लगभग बढ़ चुका है, जैसे कि आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि पठान के मूवी के बाद इनका भी नाम बहुत ऊपर गया और काफ़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस में इनकी गिनती होने लगी। और अगर कार कलेक्शन की बात करते हैं तो इनके पास ऑडी है, मर्सिडीज है और BMW है, लगभग लग्जरी जिंदगी जीती है। और अगर इनके लाइफ, जैसे शादी से पहले अगर अफेयर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे एक्टर के साथ इनका अफेयर चला, उनमें से जैसे कि सेलिब्रिटी एक युवराज सिंह भी है जो क्रिकेटर है, रणवीर कपूर और बहुत सारे एक्टर है। और जो लास्ट में इनका जो अफेयर चला रणवीर सिंह के साथ, जो उनके साथ फिलहाल शादी हो चुकी है, लगभग उनकी शादी हुई है 14 नवंबर 2018 को, इटली में इनकी शादी हुई है जो कि रणवीर सिंह के साथ। तो इनके साथ भी अफेयर चला और इनके साथ इनकी शादी हो चुकी है, और फिलहाल इनके पास कोई अभी बच्चे नहीं है और फिलहाल अपनी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का। और अगर इनकी फिल्म करियर की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले डेब्यू किया कन्नड़ फिल्म से, जो कि 2006 में। उसके बाद से बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा में इन्होंने डेब्यू किया 2017 में ओम शांति ओम, जो कि मूवी आया था, बहुत ही सुपरहिट मूवी साबित हुआ। और इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है, तो इन्होंने हर जगह अपना पैठ बनाया है। जैसे कि बॉलीवुड, कुछ मूवी का मैं नाम बताता हूँ, जैसे फिलहाल अभी 2023 में पठान मूवी आया जो सुपर हिट मूवी साबित हुआ, और इनसे इनका बहुत ही, इनका जो लेवल उस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। और पीकू जैसे बाजीराव मस्तानी, रेस टू ओम शांति जैसे मैंने बताया, तो ऐसा इन्होंने बहुत सारे अनेकों मूवी में काम किया। और अगर रणवीर सिंह की बात करते हैं तो रणवीर सिंह जो दीपिका पादुकोण के हस्बैंड है, और वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं फिल्मों में, काफ़ी अच्छे अच्छे हिट मूवी देते हैं। तो उनकी अगर बायोग्राफी की बात करते हैं तो उनका जन्म जो हुआ 6 जुलाई 1985 को, लगभग एज जो है दोनों का सेम ही है। और इनका जो शादी हुआ, मैरिज हुआ दीपिका पादुकोण के साथ 2018 में, जैसे कि मैंने बताया। और इनकी अगर मूवी की बात करती है तो सुपर हिट मूवी थोड़ा बहुत मैं नाम बताता हूँ, जैसे कि फिलहाल 2022 में इनका सर्कस मूवी आया था, उसके बाद से पद्मावती 2018 में, उसके बाद से बाजीराव मस्तानी जो दीपिका पादुकोण के साथ मस्तानी, उसके बाद से उसी में से उनका अफेयर चालू हुआ और सब काम वहीं से शुरू हुआ। और फिलहाल उनके बाद उनसे शादी भी हो चुकी है, बाजीराव मस्तानी की मस्तानी बन चुकी है। और इनकी एक और मूवी आई थी जो कि संभा 2018 में, और उसके बाद से 83 2021 में। तो इन्होंने अच्छे अच्छे मूवी में इन्होंने काम किया है, और ये पर मूवी जो चार्ज करते हैं 15 से
18 करोड़ के बीच में, और इनका अगर नेटवर्थ की बात करते हैं, इनके पास कुल संपत्ति की तो लगभग 44 मिलियन डॉलर बताया जाता है, और इंडियन करेंसी में अगर बात करते हैं तो 334 करोड़, जो कि एक काफ़ी बड़ा रकम होता है। और ये भी काफ़ी लग्जरी स्टाइल में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और ये आप लोगों ने इनको बहुत सारा देखा होगा कि डांस वगैरह, मतलब कहीं भी जाते हैं तो ये सीधा रहते नहीं, मतलब लचकते पचकते रहते, कहीं भी डांस करते रहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही फेमस है। और ये देखिए घर का इनका नाम भी सामने आपको दिख रहा है, जो कि श्री इनका बिल्डिंग का जो नाम है, और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और मैं इसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है, और नीचे से ऊपर से देखिए, जो कि बहुत ही आलीशान घर, नीचे आपको पूरा पार्किंग एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर गाड़ी वगैरह लगाई जाती है, और इसके ऊपर पूरा फ्लैट बाय फ्लैट आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए पूरा रेलिंग किया गया है, ये जो है यहाँ पर पूरा अच्छे से आपको कांच वगैरह भी दिख रहा होगा, जो कि बालकनी बनाया गया है, और ये आपको काफ़ी जैसे कि पॉश इलाका मैंने बताया है, और ये देखिए सामने उनकी गाड़ी भी लगी हुई नीचे है, जो कि आपको यहाँ आपको दिखा होगा। तो ये रहा जो कि थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है घर के बारे में, और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में, जो कि काफ़ी आलीशान घर इस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी ही वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, मैं ऐसी सेलिब्रिटी का हाउस टूर कराता रहता हूँ।